राजस्थान में पहले चरण के मतदान में महज कुछ समय शेष बचा है, ऐसे में भाजपा की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। 19 अप्रैल को राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान है, ऐसे में हम जानेंगे कि उन सीटों 12 लोकसभा सीटों पर जहां पर जो हॉट सीट है उनकी हम जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद है ललित वर्मा, जो की लगातार धरातल पर इन 12 लोकसभा सीटों पर समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, उनको लगातार धरातल पर जाकर समीकरणों को जाना। हम क्या लगता है ललित, 12 लोकसभा सीटों पर मतदान है, भाजपा और कांग्रेस की क्या स्थिति है इन सीटों पर? देखिए दीपेंद्र, अगर बात की जाए पहले चरण के मतदान की, तो पहले चरण में बीजेपी की चिंताएं बड़ी हुई है, क्योंकि जो 12 सीटें जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इसमें अगर सबसे ऊपर मैं जिस सीट को रखूंगा तो वो चूरू की सीट है, क्योंकि चूरू में बीजेपी के राहुल कस्वा जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काटा, उसकी जगह पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया। राहुल कस्वा नाराज हुए, उसके बाद उन्होंने बीजेपी से बगावत की और वह कांग्रेस का दामन थामते हुए अब वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चूरू की सीट बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, क्योंकि यहां पर जीत बीजेपी की साख की निशानी है। इसको इस रूप में देखेंगे कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उस समय जब राजेंद्र राठौड़ की हार हुई थी तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से जयचंद की उपाधि राहुल कस्वा को दी थी। उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे थे वे ये चर्चाओं में थे कि राहुल कस्वा का टिकट कटेगा, फाइनली राजेंद्र राठौड़ की जिद के आगे राहुल कस्वा का टिकट कटा था। तो ऐसे में अब चूरू का चुनाव देवेंद्र झांझड़िया नहीं लड़ रहे हैं, चूरू का चुनाव बीजेपी की सीट से राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस की सीट से राहुल कस्वा के बीच। क्या लगता है नागौर सीट की स्थिति, एक तरफ गठबंधन है तो एक तरफ मिर्दा परिवार है? देखिए ये वो गठबंधन है, अगर इसको दो साफ शब्दों में कहें तो घोड़े वही हैं, सवार बदल गए हैं जी। अगर 2019 में ज्योति मिर्दा की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए वहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि जब ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल का नाम आता है तो हमेशा हनुमान बेनीवाल जीत के आंकड़ों में सबसे ऊपर नजर आए हैं। ऐसे में इस सीट को हॉट सीट इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अब ज्योति मिर्दा बीजेपी के सिंबल पर है और हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। कांग्रेस के परंपरागत वोट वो हनुमान बेनीवाल को जाएंगे, इसके साथ ही आरएलपी के परंपरागत वोट वो जाएंगे, साथ ही जो पिछले 5 सालों में गठबंधन का फायदा बीजेपी कार्यकर्ताओं को हनुमान बेनीवाल को मिला है, हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ से हाथ पकड़कर चले हैं, तो ऐसे में कुछ वोट बीजेपी के हनुमान बेनीवाल के पाले में छिटक सकते हैं, तो ये वाली सीट भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अगर बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, जो कि सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है, इस सीट पर कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दाव खेला है अनिल चोपड़ा पर, तो वहीं भाजपा ने अनुभव पर दाव खेला है राव राजेंद्र सिंह पर, तो इस स्थिति इसमें क्या स्थिति लगती है इस सीट पर आपको? देखिए दीपेंद्र, जयपुर ग्रामीण की सीट की अगर 4 दिन पहले आप मेरे से ये सवाल करते तो शायद मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर झुकता हुआ नजर आता, लेकिन राव राजेंद्र विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा, एक युवा नेता उपेन यादव को वहां से टिकट दिया, हालांकि उनको वहां पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राव राजेंद्र की उस समय नाराजगी भी सामने आई थी। इसके साथ ही राव राजेंद्र के ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया, उसके पक्ष में वोट नहीं मांगे, ये भी आरोप शाहपुरा में उनके ऊपर लगे थे। अगर जयपुर ग्रामीण सीट की बात की जाए तो कुछ गिने चुने स्थानों पर राव राजेंद्र प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अनिल चोपड़ा ने पूरे जयपुर ग्रामीण को समेटने का प्रयास किया है। अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण से मजबूत इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अनिल चोपड़ा का प्रचार सचिन पायलट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जयपुर ग्रामीण से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 4-5 रैली सचिन पायलट, 4-5 रैली, यार अभी कोटपुतली में जो रैली हुई थी, मतलब उस रैली की जो भीड़ थी ना, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने शायद इन लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जितनी भी रैली सभाएं या शक्ति प्रदर्शन हुए हैं, इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी है जितनी अनिल चोपड़ा की कोटपुतली की सभा में भीड़ पहुंची थी। सचिन पायलट भी इससे खुश थे। इसके साथ ही जयपुर ग्रामीण के कई दिग्गज हैं,
वो अनिल चोपड़ा के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में अब जयपुर ग्रामीण का जो मुकाबला है वह काफी दिलचस्प हो चुका है और इस समय राव राजेंद्र 19 और अनिल चोपड़ा को 20 कहा जाता है। लेकिन 2009 में कांग्रेस के सांसद थे लालचंद कटारिया, वो बीजेपी में हो गए, तो क्या 2009, 2014, 2019 में लगातार भाजपा यहाँ से अब कांग्रेस भी? देखिए दीपेंद्र, लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं लेकिन वो सक्रिय रूप से कहीं नजर नहीं आए हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक बार भी वो सक्रिय रूप से जयपुर ग्रामीण में नजर नहीं आए, न राव राजेंद्र के साथ वो देखे गए, यहाँ तक कि झोटवाड़ा, जहाँ से वो विधायक थे, झोटवाड़ा के अंदर वो नजर नहीं आ रहे हैं। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां पर लालचंद कटारिया प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में राव राजेंद्र की जो राह है वो आसान नहीं। बात करूं दौसा सीट की, जहाँ पर एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दावा पर लगी है तो एक तरफ सचिन पायलट, इस सीट पर आप क्या स्थिति देखते हैं? आपने वहां पर जाके कुछ तथ्य भी जुटाए थे। दौसा की सीट की बात की जाए तो सिर्फ जो जानकार लोग हैं ना उनको ही पता है कि कन्हैया लाल मीणा बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम जन को तो ये लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया लाल मीणा के चुनावी प्रचार में हर जगह आगे किरोड़ी लाल मीणा है, उनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो किरोड़ी लाल मीणा के ही सारे जो भी प्रचार हैं, रैलियां हैं, सभाएं हैं, उनके वीडियो मीडिया में वायरल कर रहा है। कन्हैया लाल मीणा का कुछ आ ही नहीं रहा है कि कहां वो सभा कर रहा है, कहां वो रैली कर रहा है, कहां वो आ रहा है। जनता को तो ये पता है कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात की जाए तो पिछले एक दो दिन से जिस हिसाब से उनका एग्रेसिव नेचर सामने आया है, देखिए कुछ कहते हैं कि जनता के दिलों में जगह करनी है तो आपको उनको कानों के रास्ते उनके दिल में उतरना होगा, यानी कि इतना मीठा बोलना होगा कि वो जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको दिल में बिठा ले। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का एग्रेसिव नेचर पिछले दो दिनों से लगातार है। अभी हमने देखा था खुले मंच पर कि सभा में भीड़ नहीं आई तो किरोड़ी लाल मीणा उग्र हो गए। अरे सभा है, भीड़ आए या ना आए, किरोड़ी लाल मीणा तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि मंत्री पद त्याग दूंगा, दौसा की सीट चली जाए, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं ना उससे ये लग रहा है कि किरोड़ी जी की, कन्हैया की सीट तो आए ना आए, किरोड़ी जी का मंत्री पद जरूर खतरे में। लेकिन सबसे बड़ी हॉट सीट बनी है झुंझुनू, उसको उस पर आप क्या देखते हैं? देखिए ब्रजेंद्र ओला की अगर बात की जाए तो ब्रजेंद्र ओला आज भी अपने पिता शीशराम ओला का नाम का ही खा रहे हैं। शीशराम ओला एक ऐसा नाम राजस्थान की राजनीति का जिनका नाम चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सम्मान से लेती है। बीजेपी ने भी आज तक शीशराम ओला के लिए कभी भी कोई अणगल बयान नहीं दिया है, ना ही ब्रजेंद्र ओला के लिए दिया है। ब्रजेंद्र ओला का जब नाम आता है तो वो भी बीजेपी वाले सम्मान से उनका नाम लेते हैं। परिवार है, बहुत बड़ा नाम है। शुभकरण चौधरी की अगर बात करें झुंझुनू से, बीजेपी को जिन्होंने टिकट दिया है, चार चुनाव लड़े हैं, दो जीते हैं, दो आ रहे हैं, छवि बहुत ज्यादा खराब है। बताया जा रहा है कि उनके कोई हाईवे कॉन्ट्रैक्ट या उनके टोल को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी है, उनके ऊपर FIR हुई है, कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही लगातार लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि जिन लोगों के दिलों में जगह थी उनके दिलों से भी वो गिरते जा रहे हैं। तो शुभकरण चौधरी पर मैंने स्टार्टिंग से ये कहा है दीपेंद्र कि शुभकरण चौधरी को टिकट देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने टिकट वितरण का जो माइंड सेट कर रखा था उसमें उन्होंने मात खाई है। झुंझुनू में कोई दोराई नहीं है कि अगर ब्रजेंद्र ओला जीतते हैं तो किसी को अचंभा नहीं होगा, यहां तक कि बीजेपी भी इससे चकित नहीं होगी कि शुभकरण चौधरी कैसे आए। तो क्या लगता है इन 12 लोकसभा सीटों पर कि कांग्रेस झोली में कितनी सीटें जाएगी? देखिए इन 12 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए दीपेंद्र, 12 लोकसभा सीटों पर फिलहाल मतदान है। अगर जयपुर ग्रामीण, चूरू और इसके साथ ही झुंझुनू, इन तीनों सीटों पर मैं कांग्रेस को आगे मानता हूं, यहां कांग्रेस मजबूत है। नागौर और सीकर और दौसा, ये तीन वो सीटें हैं जहां टक्कर 50-50 है। नागौर में भी 50-50 है लेकिन अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल आगे है। कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा, जो उनके पूर्व सरकार में मंत्री थे, उन पर दाव खेला है। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के काफी करीबी है। दौसा उनका जो पारिवारिक राजनीतिक गढ़ है सचिन पायलट का वो है, तो ऐसे में सचिन पायलट की साख भी दौसा पर टिकी हुई है, यानी कि दौसा की सीट भी मुझे ये लगता है कि 4 जून को ही पता पड़ेगा कि दौसा में किसकी जीत हो रही है। इसके साथ ही सीकर में अमरा राम, देखिए माकपा कॉमरेड जो है सीकर में बहुत ज्यादा हावी है,
छात्र संघ जब चुनाव हुए थे तो छात्र संघ चुनाव में भी हमने देखा था कि कॉमरेड का वहां दबदबा था, यानी कि सीकर की सीट पर कांग्रेस ने माकपा के साथ गठबंधन किया। ऐसे में सुमेधानंद सरस्वती की इस बार मुश्किलें आसान नहीं रह सकती, उनकी डगर बहुत कठिन होगी। तो ये 6 वो सीटें हैं दीपेंद्र जहां पहले चरण में बीजेपी को कांग्रेस 50-50 टक्कर दे रही है। अगर वो ये 5 से 6 सीटें निकाल जाती हैं तो आने वाले जो समय है उसमें कम से कम लोकसभा में बोलने के लिए बीजेपी के कांग्रेस के कुछ सांसद तो राजस्थान में होंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से 25 की 25 बीजेपी के पास जा रही है। तो ये हमने 12 लोकसभा सीटों की बात की जो कि लगातार हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर भाजपा की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इसके साथ हम दूसरे फेज की लोकसभा सीटों की भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, जो कि लगातार भाजपा की वहां पर चिंताएं बढ़ रही है, जिनमें हॉट सीट बनी हुई है बाड़मेर सीट। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी में। नमस्कार।